आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशातारिणे मंशाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित् आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादरो न परम मूकं करोति वाचालम अंगूलं क्रियते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। शिवजी द्वारा स्तुति किया गया स्तुति गान, इसमें हमने श्रवण किया था। शिवजी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं, आप प्रवृत्ति निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी परिणाम हैं, आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप आते आप मृत्यु हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी शब्दों को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले, आप भीतर बाहर सर्वव्याप्त आकाश हैं और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाले समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य, अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं, आप तीनों लोकों के पालक हैं, फलत आप मन इंद्रियों शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप पितृलोक के तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं, आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरह से शिवजी प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम उसके आगे का उसी प्रार्थना शिव जी द्वारा किए गए स्तुति गान का श्रवण करेंगे। नमस्ते आशीषामीश मनवे कारण आत्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठमेदसे, पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। ये भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता हैं, आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं, आप समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं, आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं, आप परम मन हैं और आपका मस्तिष्क ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता, तो मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। शिव जी प्रार्थना करें भगवान, आप समस्त आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता। तात्पर्य श्लोक में कृष्णाय कुंठ मेदसे शब्द महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञानियों ने अनिश्चितता सिद्धांत की खोज करने के बाद एक तरह से सोचना बंद कर दिया है, किंतु वास्तव में मनुष्य के लिए कोई भी मानसिक कार्य ऐसा नहीं है जिसे काल तथा आकाश की सीमाओं में बांधा न जा सके। जीवात्मा अणु है, अर्थात परमात्मा का एक अणु है, फलत उसका मस्तिष्क भी अणुमत है, उसमें अनंत ज्ञान नहीं समा सकता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि श्री कृष्ण का भी मस्तिष्क सीमित है। जो कुछ कृष्ण कहते हैं या करते हैं वह समय तथा आकाश से बंधा नहीं होता। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि अर्चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। अर्जुन, भूतकाल में जो कुछ हुआ, वर्तमान में जो कुछ हो रहा था, आगे जो कुछ भी होना है, मैं वो सब भगवान के रूप को मैं जानता हूँ, मैं सभी जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, किंतु जब तक उनकी कृपा न हो, कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं किंतु जब तक उनकी कृपा न हो कोई उन्हें नहीं जान सकता। अतः कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि के लिए अनिश्चितता सिद्धांत का प्रश्न नहीं उठता। कृष्ण जो भी कहते हैं वो अपने में पूर्ण है और निश्चित है। कृष्ण जो भी कहते हैं वो अपने में पूर्ण और निश्चित है और भूत वर्तमान और भविष्य पर लागू होता है। यही चीज भागवत गीता के लिए भी सत्य है, क्योंकि भागवत गीता में कृष्ण जो कुछ भी कहा गया पूर्ण और निश्चित है, वो भूत वर्तमान तथा भविष्य पर लागू होता है। और जो कुछ कृष्ण कहते हैं उसे जानने वालों के लिए कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भावना मत आंदोलन भगवान कृष्ण द्वारा कही गई भागवत गीता पर आधारित है, और जो इस आंदोलन से जुड़े हैं उनके लिए अनिश्चितता का कोई प्रश्न नहीं।
भगवान कृष्ण को यहाँ पर आशीषाम ईश कहकर भी संबोधित किया गया है। महापुरुष मुनि तथा देवता सामान्य जीवों को ही आशीष दे सकते हैं, किंतु स्वयं में भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त किए बिना कोई किसी अन्य को आशीर्वाद नहीं दे सकता है। मनवे शब्द महत्वपूर्ण, जिसका अर्थ है मनु को। मनु वैदिक साहित्य के स्वयंभू मनु है, जो कृष्ण के अवतार है। सारे मनु कृष्ण के शक्तिविश अवतार हैं। सारे मनु कृष्ण के शक्तिविश अवतार हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, एक मास में 420, एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। और ब्रह्मा जी के जीवन काल में कुछ 5,04,000 मनु होते हैं। चूंकि सारे मनु मानव समाज के अधीक्षक होते हैं, अतः श्री कृष्ण अनंत मानव समाज के परम अधीक्षक है। मनवे का दूसरा सभी प्रकार के मंत्रों का सिद्धि भी होता है। मंत्रबद्ध जीव को बंधन से छुड़ाता है, अतः हरे कृष्ण मंत्र का जप करने मात्र से मनुष्य का किसी भी स्थिति में उद्धार हो सकता है। कारणात्मने, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है। श्लोक में भगवान भाग्यवाद के सिद्धांत का खंडन है। चूंकि हर वस्तु का कारण होता है, अतः भाग्य का कोई प्रश्न नहीं उठता। चूंकि तथाकथित विज्ञानी तथा दार्शनिक वास्तविक कारण ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं, अतः व्रथा ही भक्त हैं कि सब बाय चांस होता है। बाय चांस कुछ नहीं होता, सबके पीछे कारण है। चूंकि तथाकथित विज्ञानी कारण नहीं ढूंढ पाता, इसलिए बोलते हैं बाय चांस होता। ब्रह्म संहिता में कृष्ण को समस्त कारणों का कारण बताया गया। यहाँ उन्हें कारणात्मने कहकर संबोधित किया गया है, अतः उनका व्यक्तित्व ही प्रत्येक वस्तु का मूल कारण या बीज है। जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णित है, जन्माद्यस्य अतः परम सत्य समस्त सृष्टि का परम कारण। शांख योगेश्वराय शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। अकल्पनीय योग शक्ति संपन्न हुए बिना कोई भी ईश्वर नहीं माना जा सकता। उन्हें कलिकाल में थोड़ी सी योग शक्ति प्राप्त हुई अपने जिन्हें कलिकाल में थोड़ी सी योग शक्ति प्राप्त हुए अपने आप को ईश्वर कहते हैं। जिन्हें भी कलयुग में थोड़ी सी शक्ति प्राप्त हुए अपने आप को ईश्वर कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं। किंतु ऐसे छद्म ईश्वर निर्मूर्ख माने जा सकते। छत में ईश्वर है संसार में, जो सब कंट्रोलर है, वास्तव में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी कंट्रोलर क्या। किंतु ऐसे छत में ईश्वर निरय मूर्ख माने जा सकते हैं, क्योंकि परम पुरुष ईश्वर ही समस्त योग शक्तियों सिद्धियों से समन्वित है। इस समय प्रचलन सांख्य योग पद्धति का प्रवर्तन नास्तिक कपिल द्वारा हुआ है। तो ये नास्तिक कपिल जो अलग है, किंतु जो आदि सांख्य योग पद्धति का प्रवर्तन श्री कृष्ण के अनुसार देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा किया गया था। इसी प्रकार कृष्ण के अन्य अवतार दत्तात्रेय ने भी सांख्य योग पद्धति की व्याख्या की। इस तरह श्री कृष्ण समस्त सांख्य योग पद्धतियों तथा योग शक्ति का स्रोत। पुरुषाय पुराणाय शब्द भी ध्यान नहीं हो गया। ब्रह्म संहिता में उन्हें कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया। भगवद गीता में उन्हें पुराण पुरुष अर्थात सबसे प्राचीन पुरुष भी माना गया है। यद्यपि वे सभी महापुरुषों में सबसे पुराने हैं, तो भी सबों में तरुण नवयुवजन से भी पूर्ण है। और एक और शब्द धर्माय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण समस्त धर्मों के आदि प्रवर्तक कहते हैं। भगवान भागवतम में कहा गया, धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम। कोई भी नवीन धर्म प्रचारित नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म पहले विद्यमान। भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें मूल धर्म की जानकारी देते हैं और सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करने को। वास्तविक धर्म तो उनके प्रति समर्पण है। महाभारत में भी कहा गया है, ये च वेद विदो विप्राचे चाध्यात्म विदो जना ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्म सनातनम। इसका सारांश है कि जिसने
ठीक से वेदों का अध्ययन कर लिया है, जो पूर्ण विप्रे अर्थात वेदों का ज्ञाता है, आध्यात्मिक जीवन को समझता है, वही परम पुरुष श्री कृष्ण को सनातन के धर्म के रूप में बताता है। अतः शिव जी हमें सनातन धर्म के नियमों की शिक्षा देते हैं। शक्ति शक्ति त्रय समेताय मीडूषे अहंकतात्मने चेता कोटि रूपाय नमो वाचाय विभूते। हे भगवान, आप कर्ता कारण, कर्ता करण और कर्म, इन तीनों शक्तियों के नियामक। अतः आप शरीर मन तथा इंद्रियों के परम नियंता हैं, आप अहंकार के परम नियंता रुद्र भी हैं, आप वैदिक आदर्शों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्म के स्रोत। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या अहंकार द्वारा निर्देशित होता था। शिव जी मिथ्या अहंकार को भगवान की कृपा से पवित्र करना चाह रहे हैं। क्योंकि शिव जी या रुद्र ही अहंकार के नियंता है, इसलिए वे भगवान की कृपा से अप्रत्यक्ष रूप से अपने को शुद्ध कर देना चाहते हैं, जिससे उनका वास्तविक अहंकार जागृत हो सके। निस्सदेह आध्यात्मिक ज्ञान में रुद्र सदैव जागरूक रहते हैं, किंतु वे हमारे लाभ के लिए इस प्रकार से स्तुति करते हैं। निर्विशेषवादियों के लिए शुद्ध अहंकार तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर न पर आत्मा, किंतु तो वास्तव में आत्मा को भक्ति संबंधी कार्य करने होते हैं। इसलिए शिव जी वेदों के अनुसार मन तथा कर्म से भगवान की भक्ति में लगने के लिए प्रार्थना करते हैं। अहंकार को शुद्ध करने की यही विधि है। अहंकार को शुद्ध करने की विधि, चेत का अर्थ है ज्ञान। बिना पूर्ण ज्ञान के पूर्ण रूप से कर्म नहीं किया जा सकता। ज्ञान का असली स्रोत तो वाचा या शब्द है, शब्द जो वैदिक आदेशों से प्राप्त होता है। यहाँ वाच्य शब्द का अर्थ है वैदिक आदेश। सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हो रही, यदि शब्द स्पष्ट तथा शुद्ध हो तो पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण कर्म प्रकट हो। मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब से सब संभव है। इस प्रकार शिव जी ज्ञान तथा वेदों के निर्देश के अनुसार कर्म की शुद्धि के द्वारा अपने शरीर मन तथा कर्मों की शुद्धि के लिए बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं। वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे उनका मन इंद्रिया तथा वाणी ये सब केवल भक्ति के रूप में। दर्शनम न दिदक्षिणा देहि भागवतार्चितम् रूपम प्रियतमम् श्वानाम् सर्वेन्द्रिय गुणंजनम्। शिव जी बोलते हैं, भगवान मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अन्य अनेक रूप है, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकते।
वेद मंत्र या श्रुति में कहा गया कि परमेश्वर सर्व काम सर्व गंध सर्व रस है। दूसरे शब्दों में वे रसो वैसा कहलाते हैं, सभी रसमय संबंधों के स्रोत। हमारी विभिन्न इंद्रियां देखने, स्वाद लेने, सूंघने, स्पर्श करने की शक्ति आदि, और हमारी इन सभी इंद्रियों की इच्छाएं तभी पूरी हो सकती है जब उन्हें भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, श्लोके सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतम निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति का अर्थ समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी में लगाना, किंतु तो भौतिक इंद्रियों को भगवान की भक्ति में नहीं लगाया जा सकता था। मनुष्य को सभी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। मनुष्य को समस्त उपाधियों अथवा मिथ्यांकार से रहित होकर शुद्ध होना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इच्छाएं अथवा मनोवृत्तियां ठीक से पूरी होती है। तो शिव जी भगवान को उस रूप में देखना चाहते हैं जो बौद्ध दार्शनिकों अथवा बौद्धों के लिए कल्पनीय। निरुच्छेदवादी तथा शून्यवादी भी परमेश्वर का रूप देखते हैं। बौद्ध मंदिरों में ध्यान मग्न बुद्ध की मूर्तियां, किंतु उसकी पूजा उस रूप में नहीं हो सकती जैसे कि वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण सीताराम में लक्ष्मी नारायण के रूपों में होती है। विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में या तो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। शिव जी भगवान के पूर्ण रूप को उसी प्रकार देखना चाहते हैं जिस प्रकार भक्ति देखना चाहते। यहाँ पर रूपम प्रियतम स्वानाम का विशेष उल्लेख है, जिसका तात्पर्य कि शिव जी उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है। स्वानाम महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान को केवल भक्ति अत्यंत प्रिय है, उन्हें ज्ञानी योगी तथा कर्मी उतने प्रिय नहीं जितने के भक्त प्रिय। कर्मी भगवान को अपनी आवश्यकता पूर्ति करने वाले के रूप में देखना चाहते हैं, ज्ञानी उनसे तादात्म्य होने के लिए उन्हें देखना चाहते हैं, और योगी उन्हें अंशतः अपने हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखना चाहते हैं, किंतु भक्तजन उन्हें सर्वांग रूप में देखना चाहते हैं। किंतु भक्तजन उन्हें सर्वांग रूप में देखना चाहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, वेणुं क्वणन्तं मर्मिन्दलायताक्षं गन्धर्वकौटिकमनीय विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने वंशी वादन में निपुण है। जिनके नेत्र खिले हुए कमल दलों के समान है, और जिनका सिर मोर पंखों से अलंकृत है, जिनकी सुंदरता नील मेघों के समान है, और जिनकी अद्वितीय शोभा करोड़ों कामदेव को मोहित करती है। इस प्रकार शिव जी की इच्छा से वे भगवान के यहाँ वर्णित रूप का दर्शन करें, अर्थात उस रूप में जिस रूप में वे भागवतों या भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। तात्पर्य कि शिव जी भगवान के सर्वांग रूप को देखना चाहते हैं, निर्विशेषवादियों और शून्यवादियों की तरह नहीं। यद्यपि भगवान विभिन्न रूपों में एक ही हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, तो भी गोपियों के साथ विहार करने वाला उनका रूप तथा ग्वाल बालों के संग उनका तरुण रूप अत्यंत पूर्ण है। अतः वैष्णव लोग भगवान के वृंदावन की लीलाओं वाले रूप के को प्रधान मानते हैं। स्निग्ध प्रावट घनश्याम सर्व सौंदर्य संग्रहम चारु आया चतुर्बाहु सुजात रुचिर आननम
पद्मकोश पलाशक्षम सुंदर भ्रूशो नासिकम सुतिजम सुकपोल सुतिजम सुकपोलास्यम समकण विभूषणम। भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघ के समान है, उनके शारीरिक अंग वर्षा की जल के समान चमकीले हैं। दरअसल वे समस्त सौंदर्य के समष्टि हैं। भगवान की चार भुजाएं सुंदर मुख्य और उनके नेत्र कमल दलन के तुल्य हैं। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाले, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित। तात्पर्य ग्रीष्म ऋषि के तपन के बाद आकाश में काले काले बादल अत्यंत सुहावने लगते हैं। ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई बरहावतम संसिताम्बुद सुंदरांगम, भगवान अपने बालों में मोर पंख धारण करते हैं। उनका शरीर श्याम बादलों के समान है। सौंदर्य स्निग्ध शब्द का अर्थ अत्यंत लुभावना। कंदर पर कोटि कमनीय, श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी मोहक है कि करुणों कामदेव भी उसकी समता नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी मोहक है करुणों कामदेव भी इसकी समता नहीं कर सकते। विष्णु रूप में भगवान का रूप समस्त ऐश्वर्य से सुसज्जित रहता है। शिवजी नारायण या विष्णु के अंतर ऐश्वर्यवान रूप का दर्शन पाने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः भगवान की पूजा नारायण या विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है। किंतु कृष्ण तथा राजा की पूजा गुप्त विधि से की जाती है। भगवान नारायण की पूजा पांचरात्रिक विधि से की जाती है, जब भगवान कृष्ण की पूजा भागवत विधि से की जाती है। उनकी पांचरात्रिक विधि से पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा भागवत विधि से नहीं कर सकता। वास्तव में नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा नारद पंचरात्रि द्वारा निर्दिष्ट पांचरात्रिक विधि से ही करते हैं। नवदीक्षित भक्त राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते हैं, अतः मंदिरों में विधि विधान के अनुसार ये लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भले मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह हो, किंतु नवदीक्षित भक्तों द्वारा की गई पूजा लक्ष्मी नारायण पूजा के रूप में ही स्वीकार्य होती है। पांचरात्रिक विधि से की गई पूजा विधि मार्ग कहलाती है और भागवती विधि से की गई पूजा राग मार्ग कहलाती है। राग मार्ग के सिद्धांत उन भक्तों के लिए जो वृंदावन पद को प्राप्त। वृंदावन के वासी गोपियाँ माता यशोदा नंद महाराज गोप गाय तथा अन्य सब वास्तव में राग मार्ग या भागवत मार्ग के पद पर स्थित। वे पांच मूल रसों को भोगते हैं, दास से साक्य वात्सल्य माधुर्य तथा शांति। यद्यपि भागवत मार्ग में पांच रस पाए जाते हैं, किंतु भागवत मार्ग तो विशेष रूप से वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के लिए। पांचरात्रिक नारद पांचरात्रिक विधि से की गई पूजा विधि मार्ग कहलाती है और भागवत विधि से की पूजा राग मार्ग कहलाती है। राग मार्ग के सिद्धांत उन भक्तों के लिए जो वृंदावन के पद को प्राप्त। परंतु विप्रलम्ब सख्य भी होता है जो गोपों के द्वारा भोगा जाता है। यद्यपि गोपों तथा तो कृष्ण के बीच मित्रता है, किंतु यह मित्रता कृष्ण तथा अर्जुन की ऐश्वर्य मित्रता से भिन्न है।
जब अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप देखा तो उन्हें भय हुआ। उन्होंने तो कृष्ण को सामान्य मित्र माना था, फला उन्होंने क्षमा मांगी। किंतु वृंदावन की ग्वाल बाल के जो कृष्ण के मित्र हैं उनके कंधों पर चढ़ते हैं, कृष्ण को अन्यों के समान अपने ही तुल्य मानते हैं और उनसे कभी डरते नहीं हैं, नहीं कभी कभी क्षमा मांगते। इस प्रकार राग मार्ग या भागवत मार्ग कृष्ण के साथ उच्चतर पद पर मित्रता है। ये पद विप्रलम्ब मित्रता का वात्सल्य भाव तथा माधुरी भाव वृंदावन के राग मार्ग में देखे जा सकते। कुछ अनैतिक लोग पांचरात्रिक विधि के विधि मार्ग से कृष्ण की भक्ति किए बिना ही राग मार्ग में तुरंत कूदना चाहते हैं। कुछ अनैतिक लोग पांचरात्रिक विधि के विधि मार्ग से कृष्ण की भक्ति किए बिना ही राग मार्ग में तुरंत कूदना चाहते हैं, इन्हें सहजिया कहते हैं। कुछ ऐसे अधम भी हैं जो अपने स्वेच्छाधारी आचरण का लाभ उठाते हुए कृष्ण तथा गोपियों के साथ उनकी लीलाओं की नकल करने में ही आनंद लेते हैं। ऐसे अधम लोग जो राग मार्ग पर पुस्तकें तथा गीत लिखकर प्रकाशित करते हैं, वे निश्चित ये नरकगामी। दुर्भाग्यवश वे अपने साथ औरों को भी पतित बनाते हैं। कृष्ण भक्ति में लगे हुए भक्तों को ऐसे अधमों से बचना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समय विधि मार्ग का कठोर अनुसरण करें, भले ही मंदिर में भगवान राधा कृष्ण के रूप में क्यों न हो। राधा कृष्ण में लक्ष्मी नारायण निहित है, अतः विधि मार्ग से ही पूजा करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण के रूप में ही भगवान की सेवा स्वीकार कर। भक्ति दिशा सिंधु नामक कृति में राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के विधि मार्ग पूजा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए। विधि मार्ग की पूजा में 64 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु राग मार्ग में ऐसे अपराधों पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उस पद पर स्थित भक्त अत्यंत उन्नत होते हैं, उनके द्वारा अपराध का प्रश्न नहीं उठता। किंतु यदि विधि मार्ग पर विधि विधानों का पालन न करके अपराधों को ढूंढने की दृष्टि जमा दी जाए तो प्रगति नहीं हो सकती। शिव जी ने कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में चारियावत चतुर्बाहु सुजातरु चिरानम शब्द का प्रयोग नारायण या विष्णु के सुंदर चतुर्भुज रूप के लिए किया। जो श्री कृष्ण की पूजा करते हुए उन्हें सुजातरु चिरानम के रूप में वर्णन करते हैं। विष्णु तत्व में परमेश्वर के लाखों करोड़ रूप रहे। किंतु सब में श्री कृष्ण का रूप ही सुंदरतम है, इसलिए जो श्री कृष्ण पूजे के हैं उनके लिए सुजात और रुचि नाम शब्द का प्रयोग। भगवान विष्णु के चारों हाथ भिन्न भिन्न कार्यों के लिए है। जिन दो हाथों में कमल तथा शंख धारण किए हुए भक्तों के लिए हैं और शेष दो जिनमें चक्र तथा गदा धारण किए हुए असुरों के लिए, वास्तव में इनके चारों हाथ कल्याणप्रद हैं। भगवान विष्णु के चारों हाथ भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, जिन दो हाथों में कमल तथा शंख धारण किए भक्तों के लिए और शेष दो जिनमें चक्र तथा गदा धारण किए असुरों के लिए।
जिन असुरों का भगवान विष्णु के चक्र से गदा तथा गदा से वध होता है वे दिव्य लोक को जाते हैं, जिस तरह कमल शंख तत्व वाले हाथों द्वारा रक्षित भक्त भी दिव्य लोक को जाते हैं, किंतु जो असुर दिव्य लोक को जाते हैं वे निर्गुण ब्रह्म ज्योति में स्थित रहते हैं, जबकि भक्तों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने दिया जाता है। कृष्ण के भक्त तुरंत गोलोक वृंदावन को भेज दिए जाते हैं। भगवान के सौंदर्य की उपमा वर्षा से दी गई, क्योंकि जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती तो लोगों को अधिक 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 भाती। ग्रीष्म की भीषण तपन के बाद लोग वर्षा ऋतु का अत्यधिक आनंद लेते, यही नहीं गांवों के लोग बाहर निकलकर वर्षा का प्रत्यक्ष आनंद लेते हैं। इस प्रकार भगवान के शारीरिक अंगों की तुलना वर्षाकालीन बादलों से की गई। भक्त भगवान के सौंदर्य का आनंद लेते हैं, क्योंकि यह समस्त प्रकार की सुंदरताओं का संग्रह होता है, इसलिए सर्व सौंदर्य हम संग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई यह नहीं कह सकते कि भगवान के शरीर का कोई अंग कम और सुंदर, यह पूर्णतम होता है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण रहती है, चाहे वह ईश्वर की सृष्टि हो, ईश्वर की सुंदरता या उनके शरीर का अंग हो, वह सब इतने पूर्ण होते हैं कि भगवान के सौंदर्य को देखकर किसी की भी इच्छा पूरी हो जाती है। सर्व सौंदर्य शब्द सूचित करता है कि भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदरताएं होती हैं। सर्व सौंदर्य शब्द सूचित करता है कि भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदरताएं होती है, भगवान में सब रहती हैं। भौतिकतावादी तथा आध्यात्मवादी समान रूप से भगवान के सौंदर्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, चाहे असुर या देवता। भौतिकतावादी और आध्यात्मवादी भगवान सबों को आकर्षित करने वाले हैं, इसलिए वे कृष्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार उनके भक्त भी सभी को आकर्षित करने वाले हैं, जैसा कि षट गोस्वामी स्त्रोत में लेके धीरा धीर जनप्रिय, गोस्वामी धीर और अधीर दोनों को समान रूप से प्रिय। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो वे असुरों को प्रिय नहीं थे, किंतु वृंदावन में रहते 6 गोस्वामी असुरों को प्रिय थे। अपने भक्तों के साथ बर्ताव में भगवान की विशेषता, कभी कभी भी अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर श्रेय देते। उदाहरण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण युद्ध के लिए केवल आदेश दे रहे हैं, युद्ध का सारा श्रेय तो अर्जुन को मिला। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची ने, हे सव्यसाची अर्जुन तुम इस युद्ध में केवल कारण स्वरूप बनो। हर योजना कृष्ण की थी, किंतु विजय का श्रेय मिला अर्जुन को। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रत्येक घटना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार घट रही है, किंतु श्रेय मिलता है तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी सेवकों। इस प्रकार यहाँ भगवान को सर्व सौंदर्य संग्रह के रूप में वर्णित किया गया। प्रीति प्रसित अपांगम अलके रूप शोभितम लसत पंकज क्लिजल लसत पंकज क्लिजल का दुकुलम पुष्ट कुंडलम स्फुरत किरीट वलय हारन पुर मैखलम शंख चक्र गदा पद्मे माला मणि उत्तम रिद्धिमत। भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। भगवान अपने मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले काले तथा घुंघराले हैं।
हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केशर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल चमचमाता मुकुट कंकण वनमाला नुपुर करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभमणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। तात्पर्य प्रहसी तापांग शब्द जो कृष्ण की मुस्कान तथा चितवन का द्योतों के गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहार प्रसंग में प्रयुक्त। प्रहसितापंग शब्द जो कृष्ण की मुस्कान तथा चितवन का द्योतक के गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के व्यवहार के प्रसंग में प्रयुक्त है। जब गोपियों के हृदय में माधुर्य रस की वृद्धि करते हैं तो भगवान सदैव विनोद मुद्रा में रहते हैं। शंख चक्र गदा तथा पद में या तो उनके हाथों में या हथेली में दिखाई देते हैं। हस्तरेखा ज्योतिषी के अनुसार जिसकी हथेली में चिन्ह पाए जाते हैं वो महापुरुष होता भाई ये भगवान को सूचित करने वाले। सिंह स्कंद तिशा विभ्रत शोभग ग्रीव कौस्तुभमा श्रिया अन्न पायीना क्षिप्त निकष श्रियान श्रिया अन्न पायीना क्षिप्त निकषश्म उर्साउल सत भगवान के कंधे सिंह के समान हैं। इन पर मालाएं हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभमणि की सुंदरता है और भगवान के श्याम वक्षस्थल पर शिव वत्स की रेखाएं जो लक्ष्मी जी के प्रतीक। इन सुवर्ण रेखाओं की चमाहट सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। दरअसल ऐसा सौंदर्य सुवर्ण कसौटी की मात करने वाला। सिंह के कंधों पर घुंघराले बाल अत्यधिक सुंदर लगते हैं। भगवान के कंधे सिंह के समान थे और उनके कंधों पर पड़ी मालाओं हार तथा कौस्तुभमणि की माला के कारण उनकी सुंदरता सिंह से भी बढ़ गई। भगवान के वक्षस्थल पर शिव वत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी जी के चिन्ह हैं। फलत उनका वक्षस्थल सोने की कसौटी की सुंदरता को भी मात करता है। काली कसौटी का पत्थर जिस पर सोने की शुद्धता परखने के लिए सोना रगड़ा जाता है सोने की रेखाएं बन जाने के कारण सुंदर लगने लगता है। भगवान का वक्षस्थल अपनी शोभा में कसौटी की शोभा से भी बढ़कर पूरा रेचक संविघ्न बलि बलगु तल उतरम प्रति संक्रमाय विषम नाभ्या आवृत गंभीर गभीरया। भगवान का उदर या पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर वटवृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है। जब श्वास पर प्रश्वास लेते तो इन सलवटों का हिलना दुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है।
भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न और पुनः उसी में समा जाना चाहता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की नाभि से निकले कमल नाल से उत्पन्न हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस कमल नाल के ऊपर आसीन होकर सारे ब्रह्मांड की रचना की। भगवान की नाभि इतनी गहरी तथा इतनी चक्करदार है कि मानो सारा ब्रह्मांड उनकी शोभा से आकर्षित होकर पुनः उसी के भीतर समा जाना चाहता है। नाभि तथा उदर की त्रिपली से भगवान का शारीरिक सौंदर्य बढ़ जाता है। भगवान के शारीरिक अंगों का विवरण विशिष्ट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है। निर्विशेषवादी भगवान के सुंदर शरीर को नहीं समझ सकते, जिसका वर्णन शिव जी द्वारा की गई स्तुति में हुआ। यद्यपि निर्विशेषवादी शिव जी की पूजा में लगे रहते हैं, किंतु शिव जी ने भगवान विष्णु के शारीरिक अंगों का जो स्तवन किया उसे समझने में असमर्थ। भगवान विष्णु को भागवतम में शिव विरंचि अनुतम कहा गया है, क्योंकि वह ब्रह्मा तथा शिव जी द्वारा सदैव पूजित। श्याम श्रोणी अधीरोचिष्टु दुकुल स्वर्णमैखिलम समाचारवंग्री जंगा उरु निम्न जानु सुदर्शनम। भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है और पीताम्बर से ढका है। उसमें सुनहली जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल पिंडलियां जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर हैं। निसंदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडोल प्रतीत होता है। श्री भागवतम में जिन 12 महाजनों का उल्लेख है, उसमें शिव जी भी एक हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासिकी अशोकदेव गोस्वामी तथा यमराज। शिव की पूजा करने वालों वाले निर्विशेषवादी को चाहिए कि भगवान के दिव्य सच्चिदानंद विग्रह के विषय में जाने। यहाँ पर शिव जी अत्यंत कृपा करके भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। अतः निर्विशेषवादियों का यह तर्क है कि भगवान का को कोई स्वरूप नहीं होता, किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं। पदा शरत पद्म पलाशरोचिषा नखा दुबीनंतगम विधुन्वता प्रदर्शय स्वयं अपास्त साधुम साधुसम पदम गुरो मार्ग गुरु तमाजुषा। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दाल। भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर है मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल।
शिव जी प्रार्थना करते हैं, भगवान आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर है, मारा शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल हों। दरअसल आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वो बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देते हैं। स्वामी मुझे आप अपना वो स्वरूप दिखलाएं जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान आप सबों के परम गुरु हैं, तो आप जैसे गुरु के द्वारा ज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते। शिव जी ने इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का प्रामाणिक रूप से वर्णन किया। जब वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहते हैं, जब कोई भक्त भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता है, तो वह अपना ध्यान सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करता है। श्रीमद् भागवतम को भगवान की दिव्य वाणी माना जाता है और उसके 12 स्कंद भगवान के दिव्य रूप के अनुसार विभाजित है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंद भगवान भागवत के चरण है। शिव जी ने सोचा कि मनुष्य को पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। इसका अर्थ ये भी कि यदि कोई गहन भाव से श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहता है, तो उसे पहले प्रथम तथा द्वितीय स्कंद पढ़ने होंगे। भगवान के चरण कमलों की सुंदरता उपमा शरतकालीन कमल दलों से की गई। प्रकृति के नियम है कि शरद ऋतु में नदियों तथा सरोवरों का गंदा जल निर्मल होता है, उस समय उनमें खिलने वाले कमल अत्यंत चमकीले तथा सुंदर लगते हैं। कमल पुष्प की तुलना भगवान के चरणों से की गई और कमल दलों की तुलना भगवान के पांव के नाखूनों से। भगवान के चरणों के नाखून अत्यंत चमकीले हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म सिंह त्वरा दी होगी। आनंद चिन्मय सद्वजल विग्रह से भगवान के दिव्य शरीर का अंग प्रत्यंग आनंद चिन्मय सद्वजल सद्वज्वल है। जिस तरह प्रत्येक अंग निरंतर उज्ज्वल रहता है, जिस प्रकार धूप से संसार का अंधकार भाग जाता है, उसी तरह भगवान के शरीर का तेज बद्ध जीव के अंतकरण के अंधकार को दूर कर देता है। दूसरे शब्द में जो कोई भी दिव्य ज्ञान को समझना चाहता हो तथा भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करना चाहता हो, उसे चाहिए कि वह पहले श्रीमद् भागवतम के प्रथम तथा द्वितीय स्कंदों को पढ़कर भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने का यत्न करे। भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने से अंतकरण से सभी प्रकार का संदेह तथा भय दूर हो जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया आत्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को निर्भय होना चाहिए। अभयम सत्वम सर्वशुद्धि, भय तो भौतिकता में निमग्न होने का प्रतिफल है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया कि भयम द्वितीय अभिनेश्यात्, भय तो देहात्म बुद्धि से उपजता है। जब तक मनुष्य सोचता रहता है कि वह शरीर है, तब तक डरता रहता है। और ज्योति जो इस भौतिक बोध से मुक्त हो जाता है, तुरंत ब्रह्म भूत अर्थात स्वरूप सिद्ध होकर निर्भय हो जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, निर्भय हुए बिना प्रसन्न नहीं रहा जा सकता। भक्त सदैव निर्भय तथा प्रसन्न मुख रहते हैं, क्योंकि निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। भागवतम में कहा गया पहले स्कंद के 2 अध्याय के 20 श्लोक में, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। भगवत भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न रहता है। कि जब तक मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न नहीं रहता है, भगवत विज्ञान को समझ नहीं पाता है। भगवत विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते, श्लोक उनके लिए जो इस संसार के भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार मुक्त होकर ही भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। अतः शिव जी सबों को भगवत भक्ति करने का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाए कि ऐसा करने से सचमुच मुक्त हुआ जा सकता है, आध्यात्मिक आनंद उठाया जा सकता है। कहा भी गया ओम अज्ञान अतिमिनंदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान परम गुरु और परमेश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि भी गुरु होता है। भगवान अपने चरण कमलों के नाखूनों के तेज से भक्त के भी को भीतर से प्रकाशित करते हैं और उनका प्रतिनिधि गुरु बाहर से करते हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने तथा सदा गुरु का उपदेश ग्रहण करने से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तथा वैदिक ज्ञान के प्राप्ति हो सकती।
यस्य देवे परार्भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता हरियार्या प्रकाशयन्ते महात्मन। इस प्रकार वेदों का मत है कि भगवान के चरण कमलों तथा गुरु में अटल श्रद्धा होने पर ही वास्तविक वैदिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से शिव जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, बहुत सुंदर तरीके से स्तुति कर रहे हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की।